Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to learn a special structure for daily use sentence and spoken English. मैं आज आप लोगों को 10 स्पेशल स्ट्रक्चर बताऊंगी जो कि स्पोकन इंग्लिश एंड डेली यूज सेंटेंसेस में आपको बहुत ही हेल्प होगी, इससे आप इजीली इंग्लिश बोल सकते हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज की फर्स्ट आईडी है, इसकी आईडी कहीं ना कहीं, ये आईडी है. इसके स्ट्रक्चर होंगे समवेयर और अदर प्लस सेंटेंस. एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, कहीं ना कहीं तो तुम गलती ज़रूर करोगे. इसे हम इंग्लिश में बनाएंगे, समवेयर और अदर यू विल मिस्टेक. कहीं ना कहीं तुम गलती ज़रूर करोगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ, कहीं ना कहीं वर्षा हो रही होगी. समवेयर और अदर इट विल बी रेनिंग. कहीं ना कहीं वर्षा हो रही होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. थर्ड, थर्ड की आईडी है एडजेक्टिव, होता जा रहा है. एडजेक्टिव होंगे पहले, उसके बाद होता जा रहा है, ये आईडी है. प्लस इज एम आर प्लस गेटिंग प्लस कंपरेटिव प्लस कंपरेटिव. एग्जांपल से समझा देती हूँ कंपरेटिव कैसे होगा. तुम दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे हो. यू आर गेटिंग फैटर एंड फैटर डे बाई डे. ये फैटर क्या है, कंपरेटिव है. एंड फैटर यहाँ पर डबल कंपरेटिव आया है, इसलिए फैटर एंड फैटर डे बाई डे. तुम दिन पर दिन मोटे होते जा रहे हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आईडी है एडजेक्टिव प्लस होता गया है. इसके स्ट्रक्चर होंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस गॉट प्लस कंपरेटिव एंड कंपरेटिव. इसमें भी डबल कंपरेटिव होंगे. एग्जांपल, सलमान खान युवाओं के लिए लोकप्रिय होता गया है. सलमान खान हैज़ गॉट मोर पॉपुलर फॉर यूथ्स. सलमान खान युवाओं के लिए लोकप्रिय होता गया है. चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आईडी की तरफ. उससे पहले मैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड फॉर अपकमिंग वीडियोस. इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे क्योंकि मैं स्पोकन से रिलेटेड एंड ग्रामर से रिलेटेड वीडियो बहुत सारे डालती ही रहती हूँ. तो आपको स्पोकन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप मेरे चैनल पर बने रहोगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आईडी की तरफ. नेक्स्ट आईडी है एडजेक्टिव प्लस होता जा रहा था. एडजेक्टिव प्लस होता जा रहा था, इसके स्ट्रक्चर हैं सब्जेक्ट प्लस वाज़ वर प्लस गेटिंग प्लस कंपरेटिव एंड कंपरेटिव. इसमें भी डबल कंपरेटिव आएंगे. सब्जी महंगी होती जा रही थी. इसका होगा वेजिटेबल्स वर गेटिंग कॉस्टलियर एंड कॉस्टलियर. सब्जियां महंगी होती जा रही थी. वेजिटेबल्स वर गेटिंग कॉस्टलियर एंड कॉस्टलियर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आईडी की तरफ. एडजेक्टिव प्लस होता गया, ये आईडी है. इसके स्ट्रक्चर होंगे सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस कंपरेटिव एंड कंपरेटिव. इसमें भी डबल कंपरेटिव होंगे. हम लोग दिन प्रतिदिन मेहनती होते गए. वी गॉट मोर लेबर एंड मोर लेबोरियस डे बाय डे. वी गॉट मोर लेबर एंड मोर लेबोरियस डे बाय डे. हम लोग दिन प्रतिदिन मेहनती होते गए. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर की आईडी है एडजेक्टिव प्लस होता जाएगा, ये फ्यूचर में आएगा. स्ट्रक्चर होंगे इसके सब्जेक्ट प्लस सेल्विल प्लस गेट प्लस कंपरेटिव एंड कंपरेटिव. यहाँ भी डबल कंपरेटिव होंगे. तुम निकम्मे होते जाओगे. यू विल गॉट इडलर एंड इडलर. तुम निकम्मे होते जाओगे. नेक्स्ट आईडी है हो सकता है डॉट डॉट ना पड़े. ये ऐसा सेंटेंस में आपको मिलेगा, हो सकता है स्टार्टिंग में रहेगा एंड लास्ट रहेगा ना पड़े. ये आपको एग्जांपल में मिलेंगे. इसके पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट. इसके एग्जांपल होंगे, हो सकता है कल तुम दिल्ली जाना पड़े. हो सकता है कल तुम्हें दिल्ली जाना पड़े. यहाँ पर मैंने आपको आईडी में बताया था हो सकता है, ये फर्स्ट में है. और ना पड़े यानी कि दिल्ली जाना पड़े, ना पड़े यानी लास्ट में आया है. इसका हम बनाएंगे कैसे, यू मस्ट हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो. हो सकता है कल तुम्हें दिल्ली जाना पड़े. एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ. हो सकता है आपको झूठ बोलना पड़े. यू मस्ट हैव टू टेल अ लाई.
नेक्स्ट आईडी है, हो सकता है डॉट डॉट ना पढ़ रहा है, यहाँ कंटिन्यूसली में रहेगा। स्ट्रक्चर होंगे सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस हैविंग प्लस टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको एग्जांपल होंगे, हो सकता है तुम्हें नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। यू मस्ट बी हैविंग टू लर्न इंग्लिश टू गेट जॉब, हो सकता है तुम्हें नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। आगे के स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसकी आईडी है हो सकता है, यहाँ भी डॉट डॉट ना पढ़ रहा होगा, यहाँ फ्यूचर में बातें होंगी। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस सैलविल प्लस मे प्लस बी प्लस हैविंग प्लस टू प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। हो सकता है उसे गाना गाना पड़ रहा होगा, दे विल मे बी हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग, हो सकता है उसे गाना गाना पड़ रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, हो सकता है रवि को खाना पकाना पड़ रहा होगा, रवि विल मे बी हैविंग टू कुक फूड, हो सकता है रवि को खाना पकाना पड़ रहा होगा। एंड आज की लास्ट स्ट्रक्चर है वर्ब प्लस ने की ज़रूरत है, इसके स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स प्लस टू प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, यू नीड टू लेबर, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ये 10 स्ट्रक्चर मैंने आज आपको बताई है स्पेशल स्ट्रक्चर, ये स्पेशल स्ट्रक्चर आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड डेली यूज सेंटेंस। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ फ्रेंड्स कि मैंने पहले ही आपको 100 स्पेशल स्ट्रक्चर बताया है, आपने अगर इस पर वो नहीं देखा है तो मैं लिंक सारे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। 100 जो मैं बता चुकी हूँ आप सारे को देख सकते हैं और अपने इंग्लिश को अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं और इजली आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंग्लिश बोलने में अगर ये सारे स्ट्रक्चर को आप फॉलो करते हो तो। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।